Hello everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. आज के वीडियो में हम IMO International Mathematics Olympiad Standard 9th उसकी वर्कबुक को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 10 सर्कल्स में जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं. सर्कल्स, तो सर्कल तो सबको पता होगा क्या होता है. यह सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. सर्कल मतलब एक ऐसा फिगर. वो कैसे बनता है, हम पहले एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, उसके बाद उसी प्लेन में हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे जिनका डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये होगा. मतलब सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे लाए करते हैं वो सेंटर ऑफ सर्कल से, जो हमने फिक्स पॉइंट पहले लिया था उससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल. हमने सर्कल में पहले एक फिक्स पॉइंट लिया और बहुत सारे पॉइंट्स लिए जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे उसके साथ हो. तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो होगा सेंटर ऑफ सर्कल, ये होता है आपका सेंटर ऑफ सर्कल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो होगा रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, नेक्स्ट. A circle divides the plane in which it lies into three parts. Circle जहाँ पे भी lie करता है वो उसे three parts में divide करता है. कौन से three parts? ये अगर आपका circle है तो उसे three parts में divide करेगा. एक अंदर वाला part, एक होगा बाहर वाला part और एक होगा exactly जो उसकी border है. मतलब first inside the circle, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल. जो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं, जो ये पिंक वाला पोर्शन है वो होगा आपका इंटीरियर ऑफ सर्कल. उसके बाद आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये जो पूरा वाइट वाला पार्ट है वो सब, ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल के बाहर हो वो होगा आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. और थर्ड होगा ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल मतलब ये जो बॉर्डर है, ये जो मरून कलर की बॉर्डर है, दैट इज ऑन द सर्कल. मतलब सर्कल की बॉर्डर, जो सर्कल इटसेल्फ है वो होगा ऑन द सर्कल. तो तीन बात्स होंगे, सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर और सर्कल इटसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो होगा कॉर्ड ऑफ सर्कल. ये आपकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन है इस सर्कल की. तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल. कोई भी सर्कल में हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और उसको जॉइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो होगी आपकी कॉर्ड ऑफ सर्कल. जैसे ये हमारा सर्कल है, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, मैंने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये लिया, अब इन दोनों को जॉइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बनी ये हो गया आपकी कॉर्ड ऑफ सर्कल. यहाँ पे हमें दो कॉर्ड्स दिए हैं, एक ये दोनों पॉइंट लेके हमने कॉर्ड बनाया है और दूसरा ये दोनों पॉइंट लेके कॉर्ड बनाया है. ठीक है, कॉर्ड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के अंदर होती है और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डायमीटर ऑफ सर्कल. तो डायमीटर ऑफ सर्कल सबको पता ही होगा, ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो. ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ सर्कल. डायमीटर मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा हो, और वो जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा वो इस सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड होगा. ये आपको याद रखना है, कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास होगा वो आपका डायमीटर होगा और डायमीटर ही आपके सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है. ठीक है, कॉर्ड मतलब क्या, किसी भी दो पॉइंट्स को
कनेक्ट कर रहा हो। अब वो दो पॉइंट्स अगर ऐसे एंड पॉइंट्स होंगे कि वो लाइन सेंटर से पास हो रही हो, तो वो कॉर्ड आपका डायामीटर बन जाएगा। डायामीटर कौन सा? हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस है, ठीक है? तो डायामीटर क्या होगा? टू टाइम्स रेडियस, मतलब इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस। तो हमें ये पूरे कॉर्ड की लेंथ मिलेगी और वो लेंथ होगी आपकी डायामीटर। देखो ये आपका इतना डिस्टेंस जो है ये आपका रेडियस बन जाएगा, ठीक है, सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक। और डायामीटर आपका क्या होगा? इस एंड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपका डायामीटर बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं डायामीटर इज टू टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो डायामीटर विल बी टू टाइम्स रेडियस। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज़ आर्क ऑफ सर्कल। तो अब हम देखेंगे आर्क ऑफ सर्कल। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। हमने देखा था कि अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉर्ड। पर अगर हमने दो पॉइंट फाइंड किए, जैसे इस फिगर में हमने दो पॉइंट्स लिए बी एंड सी, इस फिगर में हमने दो पॉइंट्स लिए हैं बी एंड सी। दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जितना पार्ट है वो आपका आर्क बन जाएगा। पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज योर आर्क। जैसे बी और सी के बीच दो पार्ट है, एक ये तो ये आपका आर्क होगा और दूसरा आर्क होगा ये बड़ा वाला। मतलब दो पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए उनको हम कनेक्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो सर्कल के ही सर्कल को ही ट्रेस करके हम कनेक्ट करें तो वो आपका आर्क बन जाएगा, ठीक है। अब आर्क हमने देखा दो आर्क होती है, तो द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। जो आपकी बड़ी वाली आर्क है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं और जो स्मॉलर आर्क है उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। मतलब बी टू सी ये जो लाइट ब्लू कलर की आर्क है वो आपकी माइनर आर्क होगी और जो रेड कलर वाली आर्क है वो आपकी मेजर आर्क होगी। मेजर मतलब बड़ी वाली, माइनर मतलब छोटी वाली, ठीक है। पर एक केस ऐसा होता है कि जब ये दोनों पॉइंट्स डायामीटर हो, जो दो पॉइंट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने पे हमें क्वाड नहीं डायामीटर मिल रहा हो, ऐसे अगर दो पॉइंट्स है ई और जी जैसे, वो दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ जो आर्क मिल रही है वो सेम लेंथ की होगी, तो उससे हम बोल देंगे सेमी सर्कल, क्योंकि वो एग्जैक्टली सर्कल को हाफ कर देगी। If the two points are end points of diameter, then the two arcs are semicircle. जैसे ये दोनों points हैं ये हमारे diameter के end points हैं, तो ये जो arc मिली और ये जो arc मिली ये दोनों arc same है, तो इसमें major minor नहीं होगा। ये दोनों arc क्या हो जाएगी? Semicircle। जब arc की length डिफरेंट हो, जब एक आँख छोटी हो, जैसे ये वाली आँख स्मॉल है और ये बड़ी है, तो ये मेजर आँख होगी और ये स्मॉल वाली माइनर। पर जब दोनों का लेंथ सेम हो तो दोनों आर्क क्या होगी? सेमी सर्कल, ठीक है। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? अगर मैंने कोई भी सर्कल लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला सर्कल लिया, तो इसकी ये जो पूरी लेंथ है, मतलब मैं H से स्टार्ट करूँ घूम के H पे आऊँ, तो ये जो लेंथ अगर मैं मेजर करने जाऊँ तो वो कितनी लेंथ होगी? उस लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल की कितनी लेंथ है, वो सर्कल का अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के उसी पॉइंट पर आएंगे और इसको मेजर करेंगे तो वो कितनी लेंथ है। ये लेंथ आप कैसे मेजर करोगे? आप सोच रहे होंगे कि हमें ये लेंथ कैसे पता चलेगी,
तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम एक थ्रेड लेंगे, हम उस थ्रेड को इस सर्कल के ऊपर ऐसे सेट कर देंगे, थ्रेड को हम यहाँ पे रखेंगे, थ्रेड को हम पूरा सेट करके घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे, फिर वो थ्रेड को उस पॉइंट पे हम मार्क कर देंगे कि यहाँ तक आया, और उसे हम स्केल से मेजर कर लेंगे, ऐसे हमें सर्कमफ्रेंस की लेंथ मिलेगी। तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने दो मेजर डेफिनेशन की अभी तक, कॉर्ड कॉर्ड क्या, दो एंड पॉइंट को जॉइन कर दो तो वो हो जाएगा कॉर्ड, दूसरा दो एंड पॉइंट में जो सर्कल का पार्ट होता है वो होता है आपका आर्क। अब थर्ड डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये तीनों चीज़ें आपकी, ये तीन आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब थर्ड क्या है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड ईधर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। मतलब जैसे हमने दो पॉइंट को कनेक्ट करके कॉर्ड बनाया, फिर दो पॉइंट को कंसिडर करके जो सर्कल का पार्ट था उससे हमने आर्क माना, वैसे ही ये जो दो पॉइंट्स है पी और क्यू उसको कंसिडर करके हमने ये कॉर्ड बनाया, तो हमारा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे ये सर्कल है, मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए और ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, पी क्यू, ये दूसरा पी क्यू है, ठीक है, लेट्स से ये भी एक पी क्यू दूसरी आर्क है, तो ये जो दोनों पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, मतलब सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया, कैसे, दो पार्ट्स में, किससे, एक कॉर्ड से, ऐसा कॉर्ड हो सकता है, ऐसा कॉर्ड हो सकता है, ऐसा, किसी भी तरह से हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ठीक है, ये आपका होता है द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, मतलब ये आर्क है आपकी, ये आपका सर्कल है, तो जो दो पार्ट में वो डिवाइड हुआ वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, द सेगमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, जैसे हमारी आर्क दो टाइप की थी, माइनर मेजर, जैसे सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। मेजर सेगमेंट मतलब ये जो बड़ा वाला रीजन ऑक्यूपाई हुआ है सर्कल में उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, और माइनर सेगमेंट मतलब जो छोटा, जो कम वाला रीजन सर्कल में ऑक्यूपाई हुआ है, दैट विल बी योर माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, मेजर सेगमेंट द वन विथ ग्रेटर एरिया, माइनर सेगमेंट द वन विथ स्मॉलर एरिया। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉर्ड दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड, फिर आता है आर्क, दो पॉइंट लो उसमें जो सर्कल बनेगा वो दोनों क्या होगी आपकी, आर्क, छोटी आर्क माइनर, बड़ी आर्क मेजर। सेगमेंट मतलब जो सर्कल है उसमें से हमने कॉर्ड पास करवा दी, तो वो जो कॉर्ड बनी वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, जो कॉर्ड थी वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, जो बड़ा पार्ट होगा ये पूरा जो एरिया है पर्पल कलर का, ये आपका पूरा होगा मेजर सेगमेंट, और ये जो वाइट कलर का बचा हुआ एरिया है कम एरिया वाला, दैट विल बी योर माइनर सेगमेंट। वो माइनर मेजर आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो बड़ा होगा वो मेजर, जो कम होगा वो माइनर। अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। अभी तक हमने तीन डेफिनेशंस कर ली जो इम्पॉर्टेंट है, कॉर्ड, आर्क और सेगमेंट, बाकी तो सब हमें पता था, डायमीटर, रेडियस, सर्कल, ये तो आपको पता थी। तीन मेजर डेफिनेशंस थी, कॉर्ड, आर्क एंड सेगमेंट। कॉर्ड मतलब दो पॉइंट को जॉइन करे वो लाइन, आर्क मतलब वो जो सर्कल का पार्ट है उसके बीच में वो, और सेगमेंट मतलब वो पूरा रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो टेक अ कॉर्ड पी क्यू एंड अ पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन पी क्यू। अब ये हम देखते हैं, हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं पी एंड क्यू, और एक पॉइंट लिया है आर जो कि पी क्यू लाइन पे नहीं है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट आर जो कि सर्कल पे लाई करता है
उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन पी आर एंड क्यू आर, पी और आर को जॉइन करना है, क्यू और आर को जॉइन करना है. देन एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर. ठीक है, हमने दो पॉइंट्स लिए सर्कल पे, उन दोनों को जॉइन किया. उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट लिया सर्कल पे जो कि उस लाइन में लाई नहीं करता है. फिर हमने पी क्यू, पी को आर से जॉइन किया, हमने क्यू को आर से जॉइन किया. उसके बाद ये जो एंगल बना आपका, एंगल पी आर क्यू, दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट. यहाँ पे लिखा है लाइन सेगमेंट, तो वो लाइन सेगमेंट हमारी कॉर्ड ही है, हमारा कॉर्ड पी क्यू ही वो लाइन सेगमेंट है. तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट. ये एक कॉर्ड लिया, एक पॉइंट लिया, दोनों को जॉइन किया, तो जो एंगल बना दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड. सिंपल है, कॉर्ड लेना है, एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट से कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो एक एंगल बन जाएगा. दैट विल बी योर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर. ठीक है, नेक्स्ट, एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ. जैसे अभी हमने किया, हमने एक लाइन सेगमेंट ली और उसका एक, हमने उसको एक पॉइंट से कनेक्ट करके एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट किया. वैसे ही वो जो पॉइंट था वो हमारा आर था, वो पी क्यू पे लाई नहीं कर रहा था. यही दो कंडीशन थी कि वो पॉइंट सर्कल पे लाई करना चाहिए और पी क्यू पे लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो पी ओ क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी पी क्यू एट सेंटर ओ. तो वो जो पॉइंट हमने आर लिया था, अगर उसकी जगह हम एक पॉइंट ओ ले लें, ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ. जो एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करता है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ. एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू आर रिस्पेक्टिवली द एंगल्स सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट्स आर आर एंड एस ऑन मेजर एंड माइनर आर्क्स पी क्यू. ये जो आर और एस है, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, विच कॉर्ड, कॉर्ड पी क्यू. एट विच पॉइंट, आर पे जो सबटेंड हुआ वो एट पॉइंट आर, और यहाँ पे जो सबटेंड हुआ दैट इज एट पॉइंट एस. मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं भी लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऐसा लिखा है, तो क्या होगा, आपके पास एक कॉर्ड होगा, एक पॉइंट होगा, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को उस पॉइंट से जॉइन कर दो, जो एंगल ऊपर वो पॉइंट के साथ बनेगा दैट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट. ये भी सेम ही है, जैसे उसमें हमने कॉर्ड लिया था, कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया था पॉइंट पे, इसमें हम आर्क ले लेंगे, आर्क आपका पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगा. द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड at the center, in the sense that minor arc subtends the angle and major arc subtends the reflex angle. तो देखो यहाँ पे जो आपकी ये arc है, arc PQ अगर मैं बोलूँ तो arc PQ दो तरह से हो सकती है, एक होगी ये arc PQ minor और एक होगी arc PQ major. तो major arc भी angle तो यही subtend करेगी, ये बड़ा वाला, तो ये जो मेजर एंगल होगा वो मेजर आर्क सबटेंड करेगी, और माइनर आर्क से जो सबटेंड होगा वो माइनर एंगल होगा. मतलब एंगल पी ओ क्यू जो होगा दैट विल बी सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पी क्यू, और जिसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री माइनस दैट एंगल, ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा दैट विल बी सबटेंडेड बाय मेजर आर्क. यहाँ पे वही लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय एट एन arc at a center is defined to be angle subtended by corresponding chord in the sense that
The minor arc subtends the angle and the major arc subtends the reflex angle. मतलब जो बड़ा पार्ट होगा वो रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करेगा और जो छोटा पार्ट होगा वो नॉर्मल जो एंगल है आपका वो सबटेंड करेगा. Therefore, the angle subtended by minor arc PQ at O is angle POQ. Minor arc PQ कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? एंगल POQ. And the angle subtended by major arc PQ at O is reflex angle POQ. Major arc PQ कौन सा सबटेंड करेगी? Reflex angle POQ. ठीक है, ये major arc सबटेंड करेगी रिफ्लेक्स एंगल और माइनर आर्क सबटेंड करेगी एंगल पी ओ क्यू. हमने अभी तक तीन डेफिनेशंस की, दो कॉन्सेप्ट किए. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कॉर्ड को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें या किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, दैट विल बी योर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट दैट पॉइंट. फिर आया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क. तो माइनर आर्क को अगर हम ज्वाइन करें सेंटर से तो वो जो एंगल बनाएगा वो होगा आपका जो भी एंगल बनेगा एंगल इटसेल्फ, और जो मेजर आर्क सबटेंड करेगी दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल. तो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स. क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड और चार एंगल होता है. जैसे ये होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, इसमें तीन साइड्स है. क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कंडीशन है? क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ घूम के वहाँ पे ही एंड हो. चार साइड और चार एंगल बन रहे हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही होंगे. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टाइसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फोर वर्टाइसेस होती हैं. अगर वो चारों की चारों हमने सर्कल पे लाइक करवा दी, उसके बाद जॉइन करके हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. जैसे ये है, ये पॉइंट लिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी. फिर मैंने ये चारों पॉइंट्स जॉइन कर लिए, तो ये जो फिगर बना दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि वो सर्कल के अंदर लाई करता है. सर्कल के अंदर क्यों लाई करता है? बिकॉज हमने चारों पॉइंट्स जो सिलेक्ट किए वो हमने सर्कल के ऊपर के सिलेक्ट किए, उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया. तो बेसिक डेफिनेशन है, वो भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर लाई करता हो जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हो, दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. We provide special preparation for competitive exams like NTSC, NSO, IMO and other such competitive exams. We have highly qualified and expert faculties. We provide regular tests and we have such other facilities. Thank you.